कोरोना के बाद एक और भयानक वायरस दुनिया में किया एंट्री, अफ्रीका से लेकर यूएस, यूएस से लेकर पाकिस्तान तक। इस वायरस ने लिया हजारों लोगों की जान। ये वायरस इंडिया में करेगा एंट्री। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में आई कई भयानक वायरस के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले आए कोरोना वायरस ने दुनिया में कितना कुछ बदल कर रख दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक और वायरस दुनिया में तबाही मचा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो जानवरों से इंसानों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। एम पॉक्स मतलब मंकी पॉक्स वायरस। WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दोस्तों, एम पॉक्स को पहली बार 1958 में एक्सप्लोर किया गया था। इस वायरस को सबसे पहले डेनमार्क के एक रिसर्च सेंटर में रखे गए बंदरों के अंदर देखा गया था, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स दिया गया। ये वायरस इंसानों में पहली बार अफ्रीका के एक देश कांगो में एक 9 महीने के बच्चे के अंदर पाया गया था। तब से लेकर आज तक ये वायरस अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर फैलता रहा है। 1970 के बाद एमपॉक्स 2003 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ जानवरों में पाया गया था, जिसके बाद 2005 से एमपॉक्स के हजारों केस रिपोर्ट किए जाते हैं। मई 2022 में एमपॉक्स वायरस अचानक से यूरोप, अमेरिका समेत 110 देशों में फैल गया और लगभग 87,000 लोग एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हुए और 112 लोगों की जान गई। एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के शरीर में बड़े बड़े दाने और उनके अंदर मवाद हो जाता है, जिस वजह से उस इंसान को फीवर, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन, थकान जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीते कुछ सालों में एमपॉक्स ने उतना कुछ तबाही नहीं मचाया है जितना 2024 में अफ्रीका के कुछ देशों में एमपॉक्स तबाही मचाना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अल जजीरा के रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल अफ्रीका में 14,000 से ज्यादा एमपॉक्स वायरस के इन्फेक्टेड केस सामने आए हैं और 524 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि एमपॉक्स वायरस पिछले बार के मुकाबले में इस बार सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। अफ्रीका के कुछ देशों से चलकर ये वायरस अपने देश पड़ोसी पाकिस्तान में पहुंच गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में UAE से आने वाले 3 व्यक्तियों को एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये वायरस इंडिया में भी फैल सकता है। फिलहाल ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन एमपॉक्स के बारे में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।